जय माता दी, कैसे हो आप सब? मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सुबह का अर्घ था और आज छठ पूजा था। आज ये वाला छठ पूजा उतना पता नहीं चलता है क्योंकि बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन करते हैं बहुत कोई करते हैं, लेकिन हम लोग को मतलब नहीं करते हैं। और वो वाला छठ हम लोग में होता है, इसलिए आपको सबको छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं जा रही हूँ सुबह का पूजा करने, चलिए आप भी मेरे साथ चलिए, देखिए मैं क्या क्या करती हूँ। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? रुपेन फैमिली चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, सब भले चंगे होंगे। और देखिए मैं मॉर्निंग का काम हो गया मेरा, अब मैं जा रही हूँ पूजा कर लेती हूँ। देखिए माता रानी को मैंने फूल वूल चढ़ा दिया है, फूल ज़्यादा नहीं मिलता है इसलिए एक दो मिलता है तो मैं चढ़ा देती हूँ। देखिए माता रानी का एक ठो फोटो ऊपर है और एक ठो नीचे मैंने रखा है, छोटा सा एक नीचे है। देखिए पूजा मैं कर ले रही हूँ, सुबह का पूजा। देखिए मेरा पूजा वूजा हो गया। देखिए दिए के नीचे मैंने थोड़ा सा चावल रख दिया जाता है, आप लोग भी रख दीजिएगा। और देखिए मैं अब जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। ये देखिए चाय मैंने चढ़ा दिया, चाय बन रहा है। अब चाय बन जाएगा तो मैं फिर ब्रेकफास्ट की तैयारी करती हूँ, देखती हूँ क्या बनाना है, पहले चाय बन जाए उसके बाद। ये देखिए मेरा चाय बन गया, आ जाइए आप लोग पी लीजिए। देखिए चाय कितना कड़क और मसालेदार चाय है, अच्छा है चाय है, आ जाइए चाय पी लीजिए आप लोग। ये देखिए मैं आज भिंडी की सब्जी बनाऊंगी, भिंडी और आलू की सब्जी। देखिए पहले मैं भिंडी को फ्राई कर लूंगी, काट के मैंने काट उट के धो के रख लिया है। अब मैं भिंडी डाल दे रही हूँ और फ्राई कर लूँगी भिंडी, उसके बाद मैं इस आलू भी फ्राई कर लूँगी, उसके बाद मैं मसाले डालूँगी। पहले भिंडी फ्राई कर ले रही हूँ, उसके बाद देखिए मेरा भिंडी फ्राई हो गया, मैं आलू थोड़ा सा फ्राई कर ले रही हूँ। ये देखिए मेरा भिंडी फ्राई हो के यहाँ पे मैं रखी हूँ साइड में, और मैं देखिए कितना अच्छा फ्राई हुआ है। और अब मैं आलू फ्राई कर ले रही हूँ। देखिए मसाले मसाले भी मैंने निकाल के रख लिए, पीस लिया है मिक्सी में। लहसुन है, लहसुन सरसों इसमें मैंने डाला है। और ये देखिए टमाटर टमाटर मैंने रखा है यहाँ, छोटा छोटा टमाटर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और आलू फ्राई मैं कर ले रही हूँ अच्छी तरह से, फिर उसके बाद मैं मसाले भूनूंगी। आलू भी मैंने फ्राई कर लिया, अब उसी कढ़ाई में मैंने तेल डाल के थोड़ा सा तेल डाल दिया, जीरा डाल दिया, मिर्चा डाल दिया। अब ये देखिए मैं मसाले डाल दे रही हूँ इसमें, सरसों लहसुन और हरी मिर्च ये सब है, और जीरा ये सब डाल दिया है, और लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, हल्दी पाउडर डाल दिया। अब इसमें नमक और टमाटर डाल के भून लूँगी अच्छी तरह से मैं। ये देखिए टमाटर डाल दिए। अब टमाटर डाल के मैं इसे थोड़ा देर भून लूँगी, टमाटर थोड़ा गल जाए, उसके बाद मैं आलू और भिंडी डालूँगी इसमें। देखिए मैंने आलू को उसमें मसाले में मिक्स कर रही हूँ, अच्छे तरह से मिल जाएगा। उसके बाद मैं इसमें भिंडी डालूंगी थोड़ी देर बाद, क्योंकि भिंडी फिर गल जाएगा। और देखिए मैं इसमें भिंडी भी मिला दी और पानी डाल दी,
पानी डाल के और मैं इसमें इसको ढक कर थोड़ी देर रख दूंगी। उसके बाद ये भिंडी की सब्ज़ी बन जाएगी जल्दी जल्दी। यार शॉर्ट मैं दिखाई हूँ, शॉर्टकट में पूरा वीडियो मैंने दिखाई। ये देखिए मेरा सब्जी तैयार हो गया, भिंडी और आलू की सब्जी। अब मैं रोटी बना ले रही हूँ। देखिए भिंडी की सब्जी और रोटी, और मैंने दही नहीं दी, नहीं रखा है। नहीं तो आप लोग कहिएगा रोज़ रोज़ दही दही है, बोर हो जाइएगा, इसलिए आज दही नहीं रखी। आज रोटी और सब्जी एंजॉय करिए। और देखिए थाली लग गया, आ जाइए आप लोग खा लीजिए। हम लोग का नाश्ता वास्ता हो गया और लंच भी मैंने बना के हो गया ना लंच भी। और शाम को मैं बाज़ार गई थी, यहीं पास में ही एक मार्केट है, वहीं गई थी। और देखिए मैं जा रही हूँ, कुछ सामान लेना था इसलिए, न ज़रूरी काम था इसलिए, नहीं तो अभी तो इतना बीमारी चला हुआ इसलिए हम कहीं जाते नहीं हम लोग बाहर। जल्दी से बाहर जाना भी नहीं चाहिए क्योंकि अभी बीमारी फैला हुआ है, और अभी ज़रूरी काम था इसलिए थोड़ा सा मैं गई थी, लेकिन जल्दी ही आ गई थी वापस। ये शाम का टाइम है, ये देखिए वहाँ पहुँच गए। और मैं देख रही हूँ कि क्या क्या है, देख रही है, मेरी बेटी भी आई थी मेरे साथ और देख ले रही है कि क्या क्या है। वो टॉप देखने के लिए आई थी पर उसको टॉप पसंद नहीं आ रहा था कोई भी, तो हम बोले कि हम रोड तरफ नहीं जाएंगे, यहीं देखना है, देखो नहीं तो घर चलो। तो फिर भी देख ले रही थी थोड़ा सा दुकान दुकान वाला का यहाँ पे। जब हम लोग वहाँ पर थे गए थे ना शुरू में, तो भीड़ बिल्कुल भी नहीं था, कोई भी नहीं था। और जब हम लोग आने मतलब ईद आने लगे तो वहाँ थोड़ा सा एक दो आदमी आ गया था, तो फिर हम लोग नहीं कुछ लिए और ऐसे ही वापस चले आए क्योंकि भीड़ जमा हो गया। तो हम बोले चलो जल्दी से, यहाँ पर अब रुकने का कोई फ़ायदा है नहीं, इसलिए चलो घर चलो जल्दी। देखिए मेरा भी पिक थोड़ा सा आ गया शीशा में, यहाँ पर का शीशा में देख लीजिए आप लोग। ये वहाँ का रास्ता का, और ये देखिए दुकान वाला सब है वहाँ पे। और अब मैं वापस जा रही हूँ घर अपना। तो देखिए रास्ता बहुत खाली ही है, भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं है। और अब मैं घर चली जा रही हूँ। देखिए यहाँ पे सब, ये ज्वेलर का दुकान है एक, और इधर एक कपड़ा का दुकान है। ये देखिए हम लोग का घर का सामने ही है एक ज्वेलर का और एक कपड़ा का दुकान है। वहीं पे मैं खड़ी थी और वो मेरी बेटी बिस्कुट लेने के लिए जा रही थी कि दो बिस्किट या चॉकलेट कुछ खा लेते हैं। हमने ठीक है ले लो जाओ। देखिए अब मैं घर जा रही हूँ, और इधर बाल वाल मेरा थोड़ा सा ख़राब हो गया हवा से, और अब मैं जा रही हूँ घर, घर की तरफ ही जा रही हूँ। और शाम रात हो गया, रात जैसा हो गया है थोड़ा थोड़ा। और देखिए मैं जा रही हूँ। आज का वीडियो मेरा यहीं तक है, और एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उन्हें दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है उन्हें भी दिल से धन्यवाद। और उन आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, और मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और अभी मैं यूट्यूब पे नहीं हूँ इसलिए मैं उतना नहीं जानती, लेकिन धीरे धीरे मैं सीख लूँगी। और आप लोग को कुछ भी अगर अच्छा नहीं लगे तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और तो मैं उस पर ज़रूर काम करूँगी, और मैं ये सुधारने की कोशिश करूँगी अपनी गलती। और आप लोग देखिए मेरा मतलब कोई भी नया रहता तो कुछ गलती करता ही है, लेकिन फिर वह ज़रूर सुधर जाता है, क्योंकि गिर के ही उठने वाले को उठते हैं, और जो नहीं गिरते फिर वो क्या उठेंगे। और इसलिए प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। थैंक यू।